अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 1.4 स्टार्ट की थी हमने, इसके फर्स्ट 3 और 4 क्वेश्चंस कल हो चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इनफिनिटी 2x² - 3 डिवाइडेड बाई 4x³ + 5x। क्वेश्चंस कल हमने जैसे किए थे कॉमन निकालने के तरीके से, वैसे भी ठीक हैं, बेहतर है आप इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करें, यह आपके लिए ईजी रहेगा। आपने हर क्वेश्चन में ऐसे देखना है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर इज 3। हर क्वेश्चन में आपने डिवाइड पे एक्स की हाईएस्ट पावर देखनी है हर क्वेश्चन में, और उससे डिवाइड कर देना है। कल हमने ऊपर और नीचे एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने के तरीके से किया था, उससे भी क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। वो बुक्स ने बेसिकली, जो आपकी बुक है ये सोर्स की, इसने यही क्वेश्चन यही प्रोसीजर रिकमेंड किया है, तो हम इसे आज से फॉलो करेंगे। कल वाला बहरहाल ओके है सारा। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर इज 3। क्वेश्चन में देखें हाईएस्ट पावर डिवाइड पे एक्स की हाईएस्ट पावर 3 आएगी, सो वी डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x³। एक्स की हाईएस्ट पावर क्यूब है, मतलब एक्स की पावर 3, तो हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे दोनों को x³ से डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन, ये स्टेप इक्वल टू, हर वैल्यू को सेपरेट x³ अप्लाई कर दिए डिवाइड करने। यहां से देखें x² की पावर कैंसिल, 2/x आ जाएगा ये एज इट इज, यहां पे x³ और x³ कैंसिल हो जाएगा, x और ये पावर कैंसिल, यहां पे रह जाएगा x². इससे आगे बेहतर है बाय यूजिंग लिमिट्स थ्योरम्स, जो जैसे आपको मैंने बताया था, लिमिट न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर इन पे अलग अलग, फिर हर वैल्यू पे अलग अलग अप्लाई करें, अपनाएंगे लिमिट। मैंने यहाँ पे लिखा है, वैसे उनको फॉलो करने की कोशिश की है, 2/x के साथ लिमिट अलग, हर वैल्यू के साथ लिमिट अलग। कल मैंने बताया था आपको समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी एंड समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इस 0। अब यहां पे देखें x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी या पॉजिटिव 0 हो जाएगा, बाहर 2/∞ 0, 3/∞ 0, यहां पे 4 एज इट इज आ जाएगा, x ही नहीं है 4 के साथ, 5/∞ 0। तो देखें ऊपर न्यूमिरेटर में 0 बन चुका है, 0 डिवाइडेड बाई 4 आंसर आ जाएगा ये 0। क्लियर क्वेश्चन। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो मैंने आपको, चलो कुछ करवा दूंगा आपको, 17 आपने एज इट इज करना है, डिवाइड पे एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उससे आपने डिवाइड करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, सेम प्रोसीजर, वैल्यू लिखी गई है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर इज 1। एक्स एक मरतबा ही आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसकी पावर कितनी है 1, सो वी डिवाइड द डिनोमिनेटर एंड न्यूमिरेटर बाई एक्स। अपने डिवाइड पे एक्स को देखना है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है पूरी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर जी देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाई एक्स, हर वैल्यू को एक्स पे डिवाइड कर दें, वैल्यू सॉल्व करें, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स कैंसिल, एक्स प्लस 2/x डिवाइडेड बाई 1 - 1/x, लिमिट अप्लाई कर दें बाय यूजिंग लिमिट थ्योरम्स, हर वैल्यू के साथ लिमिट अलग अप्लाई कर दें, यहाँ पे एक्स के साथ ही आ जाएगी लिमिट, माइनस इन्फिनिटी लिखा रहेगा, 2/∞ 0, 1 as it is 1/x 0, इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, 1/∞ बेसिकली 0। तो यहाँ पे देखें एक्स की जगह हमने माइनस इन्फिनिटी अप्लाई किया है, माइनस एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी में फर्क होता है, ये आंसर को अफेक्ट करते हैं, इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा, इग्नोर ना कर देना इन्फिनिटी का माइनस को। क्लियर स्टूडेंट्स, देखें क्वेश्चन नंबर 16 देखें, इसको आपके लिए सॉल्व करता हूं मैं। यहां पे आपने क्यूब का फार्मूला नहीं ओपन करना, मे बी पेयर बनते हैं ऊपर, क्यूब का फार्मूला भी ओपन होता हो सकता है सिंप्लीफिकेशन का, आपने ऐसे ही करना है, हाइएस्ट पावर इन द डिनोमिनेटर इज 3। एक्स की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में 3 है, तो इस वैल्यू से डिवाइड कर दें हर वैल्यू को,
ये लाइनें आपने हर क्वेश्चन में लिख लेनी है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिलहाल मैं इतना ही लिख रहा हूँ, ये जैसे आपको मैंने प्रोसीजर बताया ऐसे लिखना आपने। 2x² डिवाइडेड बाय x³ माइनस x ओवर x³ प्लस 3 डिवाइडेड बाय x³ डिवाइडेड बाय x³ प्लस 1 ओवर x³। हर वैल्यू को आपने x की हाईएस्ट पावर जो डिनोमिनेटर में है उससे डिवाइड कर देना है। सॉल्व करें, ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x² कैंसिल डिवाइड पे एक वैल्यू, ये डिवाइड पे स्क्वायर, क्या स्टेप आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर x माइनस 1 ओवर x² प्लस 3 ओवर x³ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ओवर x की पावर 3। इससे अगर आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे इजीली। इससे क्वेश्चन नंबर 19 से आगे हम इंशाल्लाह कल करेंगे और एक्सरसाइज कल कंप्लीट कर लेंगे। ये आपके लिए इतना ही आज का काम है। इससे आगे आप लोगों ने जस्ट क्वेश्चन में लिमिट अप्लाई करनी है और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।